देश के ख्यात फोटोग्राफर लाला दीनदयाल ने 1866 में अपने करियर की शुरुआत इंदौर में लोक निर्माण विभाग से शुरू की। आप यहां पर प्रमुख अनुमानक एवं ड्राफ्टमैन की हैसियत से कार्य कर रहे थे। उस समय महाराजा तुकुजीराव द्वितीय उनके प्रमुख संरक्षक थे। इन्हीं की मदद से उषागंज पारसी मोहल्ला इंदौर में आपने पहला फोटो स्टूडियो खोला और नाम रखा लाला दीनदयाल एंड सन्स। लाला दीनदयाल का जन्म 1844 में मेरठ के पास सरगना कस्बे में हुआ था। उन्होंने थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ITI रुड़की में अध्ययन किया। उन्हें हैदराबाद के निजाम ने राजा का टाइटल दिया था। उन्होंने 1870 तक इंदौर सहित मुंबई सिकंदराबाद में अपना स्टूडियो खोला। फोटो खींचने के लिए देश के पहले फोटोग्राफर का इंतजार राजाओं को भी करना पड़ता था। नौकरी के दौरान दीनदयाल ने ग्लास प्लेट तकनीक से फोटो लेना शुरू कर दिया था, जब ये तकनीक भारत में नई थी। लेकिन इसके बावजूद उनका एंगल, तकनीक, लाइट का उपयोग आज के फोटोग्राफर्स को चुनौती देता है। लाला दीनदयाल ने 1875 से 2002 के दौरान खास तरह के फोटोग्राफ खींचे थे। उस समय जो उनके पास कैमरा था वो 15 से 20 किलो वजनी था और इसे असेंबल करने के लिए एक खास अलमारी होती थी जिसमें सारा सामान रखा जाता था। इन कैमरों की कांच की प्लेट हुआ करती थी। ये कैमरे इतने वजनी होते थे कि इन्हें उठाने में ही दो लोग लगते थे। उस दौरान इन कैमरों को फोटोग्राफी के लिए बैलगाड़ी और उस समय के मौजूद साधनों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। इनके द्वारा लिए गए करीब 3000 फोटोग्राफ दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी केंद्र में रखे गए हैं। इंदौर के लालबाग पैलेस की गैलरी में इन्हीं में से कुछ फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। आज भी लोक निर्माण विभाग में कई ड्राफ्टमैन होंगे, लेकिन लाला दीनदयाल जैसे विरले ही होंगे जिन्होंने अपने काम के साथ अलग दृष्टि से उस दौर में फोटोग्राफी में महारत हासिल की और कई बेहतरीन फोटो कैमरे में कैद किए। ये फोटो न सिर्फ हमें इतिहास बताते हैं बल्कि पुराने फोटो देखने में हमें खुशी मिलती है। ये महान फोटोग्राफर 5 जुलाई 1905 को इस संसार की तस्वीर अपने जहन में खींचकर हमेशा के लिए क्लिक कर गया। ये जीवनी थी देश के ख्यात फोटोग्राफर लाला दीनदयाल की।